तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम असम में हैं और निकल चुके हैं एक सफ़र में। तो देखिए कितना अच्छा टी गार्डन है, दोनों तरफ टी गार्डन है, बीच में जा रहे हैं, फुल हरियाली है दोस्तों। तो चलिए, अब हम जा रहे हैं भैरव कुंड, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी नियर है बॉर्डर पे, और उसके बाद भूटान का कंट्री भी नेड़े पड़ता है उसका बॉर्डर, और असम का बॉर्डर भी, तो तीनों बॉर्डर मिलते हैं वहाँ पर। चलिए, तो ये है, हम पहुंच गए हैं दोस्तों नियर बाय, और पहाड़ियां दिखने लग गई हैं। आप देख रहे हैं कितनी हरियाली है। तो चलिए, पहाड़ियों का आनंद लेते हुए पहाड़ के अंदर घुसते हैं। चलिए, पहाड़ में एंटर कर गया। तो एंटर करते ही दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ गिरे हुए हैं, बहुत ही डेंजर एरिया है, मुझे तो डर लग रहा है। तो काफ़ी बारिश होने के कारण, मानसून के कारण पहाड़ियाँ टूट टूट कर गिर रही हैं, पर इसमें मुझे डर तो बहुत लग रहा था। पर एक मैंने टबोर्क का बियर लिया, तो टबोर्क का जब मैंने बियर पिया, ये वाला बियर, तब थोड़ा जोश आया। तो पर थोड़ी देर बाद जोश ठंडा हो गया, क्योंकि ये जो ट्रक है दोस्तों, आप देख रहे हैं, सॉरी पिकअप, इसके ऊपर पत्थर गिर गया था, और ये सब्जी इसमें टमाटर और भिंडी और ऐसे करके थी, तो चुकना चूर हो गया। ये देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ दोस्तों। तो बड़ा डेंजर रास्ता है दोस्तों, पर फिर भी डर के आगे जीत है। चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, कितना वो रोड है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं और एक घर देख रहे हैं, इसके नीचे ही वो नदी है जहां हम जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको नेरे से जाके दिखाता हूं, नीचे उतरते हैं अब। तो जैसे ही दोस्तों हम नियर पहुंच गए, नीचे उतर रहे हैं, फिर रास्ते ऐसे मिल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, क्या करें। चलिए, फाइनली पहुँचने ही वाले हैं, आपको पहुँच के वहाँ दिखाते हैं कि कैसा माहौल है वहाँ का, अब वहाँ ऐसा माहौल ना हो। बाकी तो चलिए देखते हैं, भैरव कुंड पहुँच गए हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, फाइनली आ गए हैं हम जहाँ हमें आना था, भैरव कुंड। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा बढ़िया, मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना। और ये देखिए नदी ऐसे बह रही है पूरी तेज़ी से, और ये देखिए कितना पानी है दोस्तों, उसमें नहा के मज़ा आएगा। इसी में दारू पियेंगे, इसी में चिकन खाएंगे, और खा के आनंद लेंगे। देखिए कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं भूटान की। और देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ भी आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये है इसका दूसरा पासा, और दूसरे पासे में भी आप देख रहे हैं वो पुल है जहाँ से हम आए हैं शाम से। और ये देखिए पानी पूरा पूरा भरा हुआ है, और इसमें तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो दोस्तों, फिर आज मैं बाहर आया हूँ पैक सैक लगाने। तो जैसे कि आप कमेंट में पाते, कई मतलब मैसेज कर रहे थे कि आप असम में हो कि नहीं हो, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपने देखा सारा नज़ारा, तो मैं असम में ही हूँ दोस्तों, और एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ जिसका नाम है भैरव कुंड। तो ये असम के पास पड़ता है, यहाँ तीन बॉर्डर लगते हैं दोस्तों, और अरुणाचल का बॉर्डर लगता है, और भूटान कंट्री का बॉर्डर लगता है बिल्कुल बगल में, और ये असम का बॉर्डर पे हम खा पी रहे हैं भैरव कुंड में। तो चलिए आपको बॉर्डर एक बार दिखा देता हूँ। तो जो पीछे बॉर्डर है, दिखा ना पीछे, जो ये जो आप देख रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश का। इस पहाड़ी के पीछे अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, और इधर आप देखेंगे आगे जो ब्लैक दिख रहे हैं पहाड़ियां, ब्लैक पहाड़ी और बादल छाए हुए हैं, ये इधर भूटान है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये भूटान है, और उसके बाद इस साइड आ जाएंगे तो ये इस साइड हमारा असम है। तो ये असम से ही हम आ रहे हैं यहाँ पे वीडियो बनाने, और ये जहाँ हम बैठे हैं भी असम है। ले आप नीचे। तो चलिए दोस्तों, इतनी अच्छी जगह है, पीछे देख रहे हैं आप कैसे नदी है आपके सामने। मैं नहाऊंगा भी, और पानी के साथ भी नहाऊंगा, बियर के साथ भी नहाऊंगा, और फुल एंजॉय करूंगा दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए खाते हैं, पीते हैं और ऐश करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, पहला बियर ये मैंने कैन लिया हुआ है, ओल्ड मोका आज ये पीऊंगा, और ब्रो कोड है। और खाने में आपको सच बताना भूल गया, ये चिकन चिल्ली है अरुणाचल का, और ये चिकन पकौड़ा है अरुणाचल का। तो चलिए दोस्तों, पैग लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पियेंगे बियर, तो चलिए लेट्स गो। ये है दोस्तों, एक्चुअली इसमें मैंने चिल्ड करने के लिए रखा हुआ है, यहाँ चिल्ड होता है। चलिए दोस्तों, पहला खोलते हैं। खुल गया दोस्तों। Yes.
मजा आ गया दोस्तों। ये ओल्ड मॉक की बियर है दोस्तों, ओल्ड मॉक की। ये हमें 60 रुपए का कैन मिला है और ये ब्रो कोड है, 140 रुपए का मिला है। आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कितने का मिलता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए चखना भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगली बियर। दोस्तों पानी बहुत ठंडा है तो चलिए दोस्तों अगली बियर ठंडी होने के लिए जब तक रख देते। दोस्तों मौसम यहाँ का इतना ठंडा है, मजा आ जा रहा है ऐसे मौसम में पहाड़ी एरिया में और बिल्कुल ठंडा पानी होने से मजा आता है। चलिए दोस्तों खत्म करते हैं इसको। चलिए दोस्तों बियर पी रहा हूँ, जब तक थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, नहा के फिर आके बियर पीता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों दोस्तों इतना चिल्ड बियर और पानी है, ये कह रहा है इससे नहा लो, तो चलिए दोस्तों बियर से भी नहा लेते हैं। चेयर्स दोस्तों, चेयर्स।
चलिए दोस्तों खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों फुल एंजॉय हो रहा है, बियर पी भी लिया, बियर से नहा भी लिया, मजा आ रहा है। दो कैन और पड़ी, इसको भी खत्म करना है, ब्रो कोड वगैरह है, तो फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसी कोई नदी आपके पास पड़ती है तो आप भी जाके एंजॉय कर सकते हैं, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। नदी में नहा के पहाड़ में घूम के, मौसम बिल्कुल ठंडा है, 30-32 डिग्री तापमान है, तो मजा आ गया। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय टाटा।